हरिओम, मेरा नाम अपूर्वा वीरा भरत सिंह राणे और मैं दादर उपासना तेलुगु सेंटर में जाती हूँ। और हम लोग बापू के परिवार में, बापू ने हमें 1997 से शामिल करके लिया है और बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभवों में से मैं आज आपको एक और अनुभव सुनाने वाली हूँ जो अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ है। 16 जुलाई 2014 मेरी दीदी का फ़ोन आया था कि मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा सा बुखार और बार बार चक्कर आ रहे थे। वो दवाई लेती थी तब तक के लिए ठीक होता था और फिर बाद में फिर ऐसे ही होता था। इसलिए दीदी के फैमिली डॉक्टर ने उनका ECG निकाला और उन्होंने फिर एक कार्डियोलॉजिस्ट का रेफरेंस दिया और दीदी को कहा आप इस कार्डियोलॉजिस्ट के पास आपके मम्मी को लेके जाइए, वो आपको आगे का सब बताएंगे। उन्होंने कार्डियोलॉजिस्ट ने थोड़े रिपोर्ट्स निकाले, ब्लड रिपोर्ट्स और कुछ अलग रिपोर्ट्स निकाले और दीदी को बताया कि आपकी मम्मी का हार्ट तो अच्छा है, कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन उनका एक वॉल्व जो है वो ट्विस्ट हो गया है, उसे ऑपरेशन करके रिप्लेस करना पड़ेगा। तो दीदी ने ऑपरेशन कहते ही पहले उन्होंने पूछा खर्चा कितना आएगा इसमें, तो डॉक्टर ने कहा 1.5 से 2 लाख तक का खर्चा रहेगा इसमें। तो दीदी ने कहा ठीक है मैं आपको बताऊंगी। डॉक्टर ने कहा आप जितना जल्दी करवाएंगे उतना अच्छा है, नहीं तो ये बाकी इसके साथ तकलीफ़ बहुत बढ़ने वाली है उनको। दीदी ने कहा ठीक है। दीदी घर आई और उसने मुझे इमीडिएटली फ़ोन करके बताया कि डॉक्टर ने कहा है मम्मी का हार्ट का ऑपरेशन करना है, उसके लिए 1.5 से 2 लाख का खर्चा आएगा और ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करवाना है। मैंने कहा अरे टेंशन मत लो, अपने साथ बापू है ना, कोई फिक्र मत करो। मैं जैसे बापू के पास जाती हूँ, मेरी दीदी हैदराबाद में सत्यवाणी हैदराबाद उपासना सेंटर में जाती है और मेरी मम्मी भी बापू परिवार में शामिल हैं, वो भी राम नाम का नोटबुक लिखती है। हम सब लोग घर के सभी लोगों को बापू अच्छी तरह से मालूम है और सब लोग बापू भक्त हैं हमारे पास। और इस तरह रिपोर्ट आया, मैंने जब कहा उसको बापू है फिक्र मत करो तो वो भी एकदम ये हो गई। फिर उसने कहा मैं सब रिपोर्ट लेके अब फिर से फैमिली डॉक्टर के पास जा रही हूँ, मैं उनको पूछती हूँ कहीं और ऑपरेशन इससे कम खर्चे में हो सकता है क्या। तो मैंने कहा ठीक है सब होने के बाद तुम मुझे फ़ोन करके बताना। दीदी सब रिपोर्ट लेके फैमिली डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने कहा कि आपने कहा था आपकी मम्मी गांव में रहती है तो उनके पास कुछ राजीव गांधी ऐसा कार्ड रहता है जो वहाँ पे ऑपरेशन वगैरह फ्री में हो जाते हैं। तो दीदी ने कहा नहीं डॉक्टर, मेरे पिताजी एक पेंशन होल्डर थे इसलिए हमें गाँव में से कोई फैसिलिटी नहीं मिलती। तो डॉक्टर ने पूछा पेंशन मिलता है तो किस चीज़ का पेंशन मिलता है, उनको लगा स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे। तो दीदी ने कहा मेरे फादर एक्स सर्विस मैन थे, इंडियन एयरफोर्स में काम करते थे। तो डॉक्टर ने कहा अरे तुम्हारे फादर को तो ECHS मीन्स एक्स सर्विस मैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इसके अंतर्गत आपको तो फ्री ट्रीटमेंट मिलता है। मैं आपको मेरे एक दोस्त का जो आर्मी ऑफिसर है उसका मोबाइल नंबर देता हूँ, वो आपको पूरी तरह से समझाएंगे क्या होता है ये चीज़। तो दीदी ने उनसे नंबर लिया और दीदी ने उनको फ़ोन करके सब डिटेल्स लिया। उस ऑफिसर ने सब हमको पूरी तरह से गाइडेंस दिया और जहाँ जाना है सबका पता सब अच्छी तरह से गाइड करके हमें भेजा। दीदी दूसरे दिन उस ऑफिस में गई और सब पेपर्स कलेक्ट करके वापस आई। दूसरे दिन फिर पेपर सबमिट करने के लिए उसे जाना था, पेपर सबमिट किया, सब हॉस्पिटल का डिटेल्स लिया और जाते जाते उसने कहा अभी इतना दूर आए हैं तो हॉस्पिटल भी देखे जाते हैं जहाँ ट्रीटमेंट लेना है अपने को। तो दीदी वो सब पेपर्स लेके फिर हॉस्पिटल आई, सनशाइन हॉस्पिटल, और वहाँ पे उसने डॉक्टर से मिली और डॉक्टर को सब पेपर्स दिखाया। उधर से हमको डॉक्टर का रेफरेंस भी दिया गया था कि इस डॉक्टर से आपको मिलना है। हम लोग वहाँ दीदी वहाँ पे गई और जब वहाँ पे उसने सब पेपर्स दिखाया तो उन्होंने कहा अरे आपकी मदद को तो कल ही एडमिट करना है 18 जुलाई को। दीदी ने कहा कल, तो बोले हाँ ये पेपर्स पे लिखा है कि कल ही एडमिट कर देना है। तो उसने कहा ठीक है फिर आप कर दीजिए। फिर नेक्स्ट डे दीदी लेके गई, मम्मी को एडमिट किया और मुझे इमीडिएटली उसने फ़ोन किया कल मम्मी को एडमिट करें, तुम जल्दी से जल्दी आ जाना। मैं 18 तारीख रात को ही यहाँ से मुंबई से हैदराबाद रवाना हो गई और 18 तारीख के बाद मम्मी के थोड़े ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह सब जो एडमिट होने के बाद नॉर्मली करते हैं वो सब किया। 21 जुलाई 2014 को डॉक्टर ने कहा आपकी मदर का ऑपरेशन हम लोग कल करने वाले हैं 22 जुलाई को। 22 जुलाई को मम्मी का ऑपरेशन भी हो गया एकदम कोई भी तकलीफ़ के बिना और मेरी मम्मी 28 जुलाई को डिस्चार्ज भी लेकर घर वापस आ गई। इतना सब भी एक हार्ट ऑपरेशन कहने से सबको मालूम है कितना तकलीफ़ रहता है, घर के आधे लोग टेंशन में ही मर जाते हैं।
हमको तो सोचने का मीन्स टाइम भी नहीं दिया बापू ने कि 16 तारीख को हमको मालूम हुआ मम्मी को तकलीफ है और 22 तारीख को ऑपरेशन भी हो गया, 28 तारीख को ऑपरेशन हो गया, मेरी मम्मी घर भी आ गई थी, सिर्फ अभी रिकवरी कर रही है। लेकिन बापू की कृपा से सिर्फ हम लोग बापू की छत्र छाया में है, इसीलिए हम लोग इतने खुश हैं। सिर्फ बापू ने जो मीन्स इतना खर्चा वाला ऑपरेशन, एक भी पैसा बिना भरे हमने ये ऑपरेशन पार किया, सिर्फ और सिर्फ बापू की वजह से ये सब हो सकता है। एक विश्वास असावा पुरता, करता हरता गुरु ऐसा। बापू कहते हैं एक विश्वास रखो, मैं तुमच्यासाठी हळू हळू सगळं काही नीट करना है, मैं आपके लिए सब कुछ करने वाला हूँ, सिर्फ एक विश्वास हमारा होना ज़रूरी है। आधार देने वाला हमारा बापू, और क्या चाहिए इस दुनिया में। हरिओम बापू, आमी अंबज्ञा आहोत।